तो हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज 17 मई और आपकी फरमाइश पे आज कराने वाले हैं हम आज केदारनाथ धाम के दर्शन। और यहाँ पर बड़ा मतलब कि भीड़ भाड़ थोड़ा सा आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये तो आपको पता है कि ये जो मंदिर है 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुलता है, तो यही कारण है कि यहाँ पर भीड़ आपको मिल ही जाएगी। और सांस भाई इसलिए फूल रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन है। तो काफ़ी मतलब कि हमारे जो रिलेशन में थे, फ्रेंड्स थे और हमारे जो सब्सक्राइबर थे और फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे, उनकी फरमाइश ये थी कि एक बार हमें दर्शन करा दीजिए केदारनाथ मंदिर के। तो आपकी फरमाइश पे निकल चुके हैं हम। जस्ट आप मेरे सामने देख सकते हैं अब मेरे ब्लॉग में कमेंट्री करने की बात है। वो देखिए भाई, वहाँ पे देखिए भाई कितनी भीड़ चमक रही है आपको। आप जो सामने देख पा रहे हो वो मंदिर है। आइए दोस्तों, आपको कराते हैं दर्शन। चारों तरफ बर्फ के बीच इस मंदिर के बीच जो केदारनाथ धाम से प्रसिद्ध है, और ये आपका उत्तराखंड में मंदिर स्थित है। चला यार। और हमारे जो रिलेशन में थे, कोई फ्रेंड था, कोई भी हो, उनके लिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए आपको सामने साक्षात केदारनाथ धाम आपको मिल चुका है। और आप पीछे का भी देख सकते हैं भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, हम बस आपको दर्शन कराने के लिए आए हैं आपके लिए। नॉर्मली आपको भीड़ तो यहाँ मिल ही जाएगी, इसका कारण आपको पता ही है। और ये देखिए भाई व्यू, यहाँ पे आपको बहुत शांति, और भाई साहब यहाँ की जो सुगंध है उसमें आप खो जाओगे कहीं ना कहीं। ये देखिए आप, मैंने भी दर्श ये मंदिर जो धाम था बस वीडियो में देखा था, लेकिन जस्ट आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं। पीछे आपको भीम शिला दिखाएंगे हम आपको। जो मुझे यहाँ का बेहतरीन व्यू लगता है उसका कारण ये पहाड़ है जो पीछे दिख रहे हैं आपको भाई, बर्फीले पहाड़। और मुझे यहाँ पर लगभग 3-4 दिन हो गए हैं रुके हुए, और यहाँ के माहौल में आप भूल जाओगे। भाई जानकारी आपको देना चाहता हूँ, हम रुके हैं बर्फीले बाबा के आश्रम में, जहाँ पे सबसे बड़ा काम क्या होता है, आपको सेवा करने मिलेगी, आपको वहाँ पे सेवा करनी पड़ती है। उसके बाद आपको खाना फ्री मिलता है, सुबह नाश्ता फ्री मिलता है, सोने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं। और वैसे तो आपको यहाँ टेंट मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि आप बर्फीले बाबा के आश्रम में आए और थोड़ा सा कीर्तन में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि भाई वहाँ का जो इक्विपमेंट है, जो वहाँ पर बजाने का वो सिस्टम है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं आपको जस्ट लेके चलता हूँ भीमशिला के पास। और यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और भीड़ यहाँ पर काफ़ी है, जो होनी ज़रूरी है। और सर्दी के बारे में बताऊँ आपको, जैसे कि आज जो 17 मई है, मौसम बहुत बेहतरीन है, इतना सर्दी नहीं है। जैसे कि मैंने जर्सी पहन रखी थी, वो उतार दी मैंने, क्योंकि भाई मुझे सर्दी एडजस्ट हो जाती है लेकिन गर्मी नहीं। ये देखिए भाई भीड़ कितनी पीछे है मेरे भीमशिला के पास। और ये बैकग्राउंड देख सकते हैं आप केदारनाथ धाम का, और आपको लेकर चलते हैं। और ये और आपको यहाँ पर भाई बिल्कुल जो मगन हो जाते हैं यहाँ कर, वो लोग भी मिल जाएंगे आपको। जय महाकाल। ये देखिए भीमशिला, इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी कि 2013 में जब एक आपदा आई थी यहाँ पर उत्तराखंड में, तो इस पत्थर ने इस मंदिर की रक्षा की थी और इसे नाम दिया गया था भीमशिला। हाँ, बच गई है भाई, देख इधर। और भाई ये देखिए, इस तरीके से आपको मैंने पीछे का बैकग्राउंड दिखा दिया। और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, आप घूम सकते हैं, लेकिन
जो मेन चीज़ है और भैरव जो मंदिर है वो उस तरफ है, वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे। मुझे ना तो जो अपनी तरफ खींचता है वो चीज़ है वो पीछे जो कैलाश पर्वत है, जहाँ तक अभी जहाँ पे अभी कोई नहीं पहुँच पाया है। और भाई वहाँ का जो व्यू है, हम रुके हैं वहाँ पर आश्रम में, तो वहाँ से सब कुछ दिख जाता है। वहाँ पे ना थोड़ा सा जो नाइट में आप देखोगे तो आपको धुंधला हो जाता है सुबह मॉर्निंग में, और जब देखोगे आप धूप पड़ती है यार, इतना भय चमकदार लगता है वो व्यू, आप उसमें खो जाओगे। तो भाई केदारनाथ पहुँच कर हमने आपको सारा अपडेट दिया, आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाया, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, मंदिर आपको लेके नहीं जा सकते आप देख सकते हैं। और मौसम की मैंने आपको बता दिया है कि 17 मई आज है, तो मौसम बड़ा कूल है, और मैं आप देख सकते हैं कि सिंगल हूँ, लेकिन मैं 3 दिन से जर्सी पहन के अंदर बैठा था, और जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, जो होनी ज़रूरी थी क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार इतना ट्रैक किया है। इसको भीमशिला के दर्शन करने हैं वो मेरे साथ कर सकता है, ये आपके सामने और मंदिर है। वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी क्योंकि हम यहाँ रुकने वाले हैं कम से कम 10 या 15 दिन। हमने आपको भीमशिला के दर्शन कराए, अब लेके चलते हैं थोड़ा आगे। ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, और ये हमारे पीछे का बैकग्राउंड आप दिख ही रहा होगा आपको पीछे, और यहाँ पे भीमशिला जिसने 2013 में इस मंदिर की रक्षा की थी, और यहाँ पे बाबा हैं जो भाई आई थिंक मुझे यहाँ का चंदन जो लगता है वो बड़ा कूल लगता है, वैसे मैंने आज लगाया नहीं है। ये आपको दिख जाएगा राइट साइड में, राइट साइड का आपका व्यू ये है मंदिर का, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। और ये आप मेरे सामने भीड़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कितनी भीड़ है। अगर आपको यहाँ पर जल्दी दर्शन करने हैं तो आपको निकलना पड़ेगा सुबह 2 बजे, आप लाइन में आके खड़े हो जाइए तो आपको जल्दी नंबर आ सकता है, अदरवाइज आपका ये वाला हाल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि वहाँ तक लाइन लगी हुई है काफ़ी दूर तक, और इन सब लोगों को वहाँ जाना है अंदर और दर्शन करके आना है। भाई पहाड़ियों पर आके, वैसे अगर कोई यूपी का है, बिहार का है, नीचे की साइड का है, वहाँ तो गर्मी हो रही है इस समय, तो भाई कोई नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी अगर कभी जीवन में मौका मिले तो यहाँ का लुत्फ़ उठाने ज़रूर आना, कि जो यहाँ पे भाई बर्फीले पहाड़ हैं बड़े ही मस्त है। और यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं तो अभी जस्ट रुकते हैं। 2, 3 तो दोस्तों आज 17 मई है और हम यहाँ रुकने वाले हैं कम से कम 10-15 दिन। आपको इसी चैनल पर फ्लाइंग शिनो चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम आईडी ओलंडर शिनो पर और मेरे फेसबुक पेज फ्लाइंग शिनो पर सारे अपडेट मिलने वाले हैं। किसी को यहाँ पे आना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए। और अभी बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि आपको मैंने दर्शन कराने थे वो करा दिए। यहाँ पर उत्तरा केदारनाथ के आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यही तो दिन लव मधु निकांत और ये आपको लाइन मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए आपको 17 मई का हम अपडेट दे रहे हैं और शाम का समय हो रहा है, लगभग 5:30 बज रहे हैं और इतनी लंबी आपको लाइन मिल जाएगी। ये देखिए भाई काफ़ी लंबी लाइन, लेकिन आपको इससे मुक्ति लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह 2 बजे लाइन लेना पड़ेगा। ये काफ़ी लेट हो गए हैं सबके सब। ये देखिए भाई दोस्तों काफ़ी लंबी लाइन है और
मैं आपको यहाँ के सारे अपडेट दूंगा। मौसम काफ़ी सुहाना है क्योंकि देख आप देख सकते हैं मैं बिना उसकी जर्सी के हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई अभी थोड़ा धूप निकल गई थी जिससे लोगों में देखिए काफ़ी उत्साह है, थकान की थोड़ी कमी लग रही है, लेकिन महादेव के नाम से सब खड़े हैं यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी भीड़ है। खुलेगा जी? हाँ जी अंकल जी, और मंदिर पर ऊपर खुला कितने बजे तक होता है? जानकारी नहीं है, नहीं अभी बंद हो गया, ऐसा भी आरती होगी अभी। ये देखिए भाई काफ़ी भीड़ है और लोग यहाँ पर मतलब कैमरों को देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर बैठ चुके हैं और सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर समय समय पर सफाई होती रहती है और लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये शाम की लाइन है तो आपको घबराना नहीं है, मॉर्निंग की लाइन में आपको नंबर आ जाएगा। ये देखिए वहाँ तक लाइन है आपको दिख रहा है। तो हाँ जी दोस्तों, दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो आपको दर्शन करने के लिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि आपको अगर दर्शन करने हैं तो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 बजे लाइन में लग जाना है तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं केदारधाम, और यहाँ की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और मंदिर के पास आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उत्साह से भरपूर है और अपना भक्ति दिखाते हुए अपने तरीके से। ये देखिए भाई सारे के सारे भक्ति में लीन हो चुके हैं और डांस के माध्यम से अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं यहाँ पर सब लोग। गरबा 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 गुजराती गुजराती गरबा देख रहे हैं आप। ये देखिए भाई केदारनाथ में गुजराती गरबा छा गया। वाह क्या बात है भाई, गुजराती वाले छा गए छा गए। ये देखिए सामने मंदिर है और यहाँ पर इनका गरबा चालू है और पीछे सामने आप पहाड़ देख सकते हैं और इधर भी पहाड़ है।